हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश, और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट फोर ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस के चैप्टर का। पार्ट फोर प्रैक्टिस सेट 11, प्रैक्टिस सेट 12, प्रैक्टिस सेट 13, ये तीनों प्रैक्टिस सेट्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। सो बने रहे मेरे साथ और लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रैक्टिस सेट 11। बट इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, share this video among your friends and please do like this video। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now, what fractions do the point A and B show on the number line below? So इसमें अपने को क्या बताना है? See, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है, ये जो नंबर लाइन होती है ना, एक चीज ध्यान रखो। सो ये जीरो और ये वन के बीच में कितनी सारी पार्टीशन है। अब यहाँ पे ना हम लोग अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट चालू कर रहे हैं, जीरो से वन के बीच में कितने पार्टीशन है। सी, ये एक पार्टीशन है, ये दो पार्टीशन है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, दिस इज ए सिक्स्थ पार्टीशन। सो जितने पार्टीशन होते हैं डिनोमिनेटर में उतना नंबर आता है, डिनोमिनेटर में सिक्स आएगा। अब इसको ना रट लो। देखो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था कि आपको, या मैंने बताया भी है कि मैं चाहता था कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे हौले हौले सिखाया जाए, बताया जाए। सो व्हाट डिड आई से, मैं ये बोल रहा था कि जितने भी जीरो के, जैसे कोई नंबर लाइन है, सपोज आपका कोई, सपोज एक नंबर लाइन है, वो नंबर लाइन पे सपोज ये आपका जीरो पोजीशन है, ये वन है, ये टू है, ऐसा वन है टू है। सो उनके बीच में जितनी पार्टीशन है ना, जैसे सपोज वन टू थ्री फोर, चार पार्टीशन है। अब चार पार्टीशन है तो फिर आप हर एक पार्टीशन के डिनोमिनेटर में फोर लिखोगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये होता है 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, इसका मतलब 1। अब कैसे 1/4 समझा आपको, 0 के बाद 1 आता है, फिर 2, 3, 4 और 1/4 लिखना है, 2/4 लिखना है, 3/4 लिखना है, 4/4 मतलब 1। ठीक है, सो इस तरह से आपको डिनोमिनेटर डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ ये रहा 0 एंड दिस इज द 1 पोजीशन, ये नंबर 2 है। सो ये जो आपका पहला पोजीशन है ये 1/6 है। सी, 6 कैसे है डिनोमिनेटर में, 6 पार्टीशन है 0 और 1 के बीच में। सो पहला जो पोजीशन है आपका वो 1/6 है, ऑब्वियसली ये 2/6 होगा, दिस इज 3/6, 4/6, 5/6। सो ये जो डब्बा है आपका ये हो जाएगा 5/6। आ रहा है समझ में आप लोग को, इट इज 5/6। ठीक है, अच्छा 6/6 के बाद हमको क्या करना होता है, आगे बढ़ना रहता है 7/6। सी, जो पार्टीशन होंगे 1 और 2 के बीच में जो होगा वो अगेन 6 ही पार्टीशन होने वाले, 7/6, 8/6, जी डिनोमिनेटर 6 जो है वो मेंटेन रहेगा, 9/6 और ये 10/6। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हो जाएगा 11/6, ऑटोमेटिकली 12/6, और 12/6 अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो 2 आता है। ठीक है, सो जो आपके बॉक्स में नंबर्स आए हैं वो 5/6 है, 10/6 है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। दूसरा जो है वो देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, इट इज प्रैक्टिस सेट 11 में सेकंड, जो फर्स्ट का सेकंड है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डू द पॉइंट ए एंड बी शो ऑन द नंबर लाइन बिलो। सो 0 और 1 के बीच में मुझे बताओ पार्टीशंस कितने हैं। सी, दिस इज द फर्स्ट पार्टीशन, दिस इज सेकंड, थर्ड, fourth, fifth, there are 5 partitions, so denominator has to include 5 in it. Okay? Now, we start from 0 here, we write 1/5, we write 2/5, we write 3/5, we write 4/5 and 5/5. Now, this is 6/5, बढ़ते जाना आपको 7/5, so आपको ये जो number आ जाएगा वो 7/5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 8/5, 9/5, 10/5, if you observe 10/5 is actually 2, वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, so इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये जो आपके incomplete boxes है उसके यहाँ पे answers ये हुए हैं। Now the third sub question देखते हैं हम लोग, third का कैसा है। Again you tell me how many partitions are there in between 0 and 1. If I say, सी आप वीडियो पॉज करो और फिर खुद से बोलो, खुद से ट्राई करो उसका आंसर देने का, एंड देन फिर उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू देखो ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देयर आर 7 पार्टीशन। 7 पार्टीशन मतलब दिस इज 1/7,
टू अपॉन सेवन, थ्री अपॉन सेवन, फोर अपॉन सेवन, फाइव अपॉन सेवन, सिक्स अपॉन सेवन, सेवन अपॉन सेवन. अच्छा, सेवन अपॉन सेवन वन होता है, ये हो जाएगा एट अपॉन सेवन, नाइन अपॉन सेवन, टेन अपॉन सेवन. अच्छा, टेन अपॉन सेवन के बाद फिर आगे आप इलेवन अपॉन सेवन, ट्वेल्व अपॉन सेवन, थर्टीन अपॉन सेवन सब लिख सकते हो. इफ यू ऑब्जर्व, ये इलेवन अपॉन सेवन होगा, ट्वेल्व अपॉन सेवन होगा, ये थर्टीन अपॉन सेवन होगा, ये फोर्टीन अपॉन सेवन. एंड इफ यू कैंसिल, इफ यू सी, दिस इज एक्चुअली नंबर टू, सेवन टू इज़ अ फोर्टीन. ठीक है, सो आपका जो बी है दैट इज थ्री अपॉन सेवन एंड ए इज टेन अपॉन सेवन. कितना है आपका बी, क्या है, इट इज थ्री अपॉन सेवन. वॉट इज द पोजिशन ए, ए इज आपका टेन अपॉन सेवन. समझ में आ रहा है आप लोग को कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. प्रैक्टिस सेट 11 में हम आगे बढ़ते हैं. अब ये अपने को बोला गया है यहाँ पे कि यू रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, सारे के सारे, सॉरी इंटीजर्स नहीं बोलेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव फ्रैक्शन है. नाउ थ्री अपॉन फाइव, सिक्स अपॉन फाइव, टू, थ्री अपॉन फाइव, ये देखेंगे हम लोग, प्लॉट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. सिंस सारे के सारे पॉजिटिव है तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में जीरो लिखूंगा. सी जनरली हम सेंटर में, जैसे नंबर लाइन होती है ना आपकी, नंबर लाइन जो है वो यहाँ पे जीरो लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट में लिखूंगा ताकि मेरे को राइट का स्पेस यूज करने का मौका मिल जाए. नेगेटिव तो फ्रैक्शंस है नहीं. सी जीरो, उसके बाद आप अभी देखो ये सारे के सारे पार्टीशन है, ये पार्टीशन नंबर वन, पार्टीशन नंबर टू. ठीक है, वो जो दो लाइन के बीच में पार्टीशन है. अच्छा, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पार्टीशन के बाद आप लिखोगे वन, वन टू थ्री फोर फाइव, टू लिखोगे, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री लिखोगे. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में फाइव है, सो हाउ मेनी पार्टीशन शुड बी देयर, फाइव पार्टीशन. नाउ यू स्टार्ट विथ जीरो, नाउ यू कैन राइट वन अपॉन फाइव, यू कैन राइट हियर टू अपॉन फाइव, यू कैन राइट थ्री अपॉन फाइव, दिस इज फोर अपॉन फाइव, दिस इज फाइव अपॉन फाइव, सिक्स अपॉन फाइव, कंटिन्यू, सेवन अपॉन फाइव, you can write this 8 upon 5, so 7 upon 5, this is 8 upon 5, 9 upon 5, here we have 10 upon 5. If you see 10 upon 5, actually it is 2. Let us continue forward, 11 upon 5, 12 upon 5, 13 upon 5, 14 upon 5, and this is 15 upon 5. And if you see 15 upon 5 is actually 3. Now, we need 3 upon 5, where is 3 upon 5? So, this is our 3 upon 5 and this is A. So A is our 3 upon 5. ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? Now we need 6 upon 5. Where is 6 upon 5? This is your 6 upon 5, ये B. So what is B? 6 upon 5. अच्छा, अब मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इट इज 5 2s आर 10, 11 12 13, 13 upon 5. Where is 13 upon 5? This is the 13 upon 5, position number C, and your C is 13 upon 5. 13 upon 5. ठीक है, समझ में आया? 13 upon 5. अच्छा, 13 upon 5 कैसे आया? आपको ये पता है ना, मिक्स फ्रैक्शन को अपने को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर न्यूमरेटर छोटा है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे आई थिंक इतना समझ में आ जाने के बाद आपको नंबर लाइन पे किस तरह से फ्रैक्शंस को प्लॉट करना है वो आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग? सब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ेंगे. अब देखो इसको कैसे करना है. अब सब क्वेश्चन नंबर टू में थ्री अपॉन फोर है, फाइव अपॉन फोर है, टू वन अपॉन फोर है, डिनोमिनेटर में फोर है, तो आपको क्लिक हो ही गया होगा. दूसरी चीज क्या मालूम है, या इसको हम पहले ही समझने की कोशिश करें प्रायोरिटी बेसिस पे, कि हमें सारे के सारे पॉजिटिव फ्रैक्शंस है. सो वी अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो हियर, बिकॉज अपने को राइट साइड का स्पेस यूज करने का मौका मिल जाएगा. एंड देयर आर फोर इन द डिनोमिनेटर, फोर इज अ नंबर विच इज देयर इन द डिनोमिनेटर. सो योर आफ्टर चार पार्टीशन आपको वन टू थ्री फोर अकॉर्डिंगली लिखना. नाउ सी दिस इज नंबर वन टू थ्री फोर, वन वन टू थ्री फोर, टू वन टू थ्री फोर, थ्री, इस तरह से आपको लिखना. ठीक है, नाउ वन टू थ्री फोर एंड दिस इज फोर. अब हमें
प्लॉट करना है। अभी देखना 3/4 कहाँ पे आएगा, ठीक है। सो 3/4 देखते हैं। उसके पहले आपने जीरो से स्टार्ट किया, लिखोगे आप 1/4, इसको लिखोगे 2/4, 3/4, 4/4, एंड इफ यू ऑब्जर्व 4/4 एक्चुअली 1 होता है, तो बराबर 1 जगह पे लिखा हुआ है। दिस इज 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4। नाउ इफ यू ऑब्जर्व 12/4 कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, राइट। दिस इज 4 3 12, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये 12/4। उसके बाद 13/4, 15/4, 16/4, ठीक है। और एक मिनट, 12/4 3 हो गया, सो 12 13, ओके यहाँ पे मिस हो गया ना, 14, ये 15 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16/4, इसलिए ये 4 आ जाते, बिकॉज 4 4 16। ना 3/4 हम देखते हैं कहाँ पे, ये रहा हमारा 3/4, दिस इज ए, ठीक है। सो हमारा ए क्या है, ए इज 3/4। लेट अस फाइंड 5/4, वेयर इज 5/4, दिस इज द पोजिशन वेयर 5/4 एग्जिस्ट। सो ये हमारा पोजिशन नंबर बी, एंड हमारा बी है 5/4, एंड उसके बाद 2 4, सी 2 1/4 को अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 2 8 +1 9/4, दिस इज 9/4, एंड लेट अस फाइंड वेयर इज 9/4, दिस इज 9/4, दिस इज पोजिशन नंबर सी, एंड योर सी पोजिशन इज 9/4। आ रहे समझ में गाइस अपने को, या तो फिर हम वैसे लिख सकते हैं 2 1/4, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें। नंबर लाइन पे आपको फ्रैक्शंस प्लॉट करते आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस सेट 12 देखते हैं। अगर आप लोग को प्रीवियस वाले सारे समझ गए होंगे तो अब आप प्रैक्टिस सेट 12 की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो। इसके लिए जो बेसिक्स है जो सारे के सारे हमने इंट्रोडक्शन में समझे हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या अभी जो कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 12 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। इट मे बी इम्प्रॉपर विथ प्रॉपर, इट मे बी मिक्स्ड विथ प्रॉपर इम्प्रॉपर, कैसा भी फ्रैक्शंस आपको मल्टीप्लाई करना है। सो उसका तरीका क्या है, यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर। 7/5 × 1/4 है, सो दिस इज इक्वल टू 7 × 1/5 × 4, ये हो जाएगा 7/20, 5 4 20, करेक्ट। ये मल्टीप्लीकेशन है। सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करता है 6, अब इसको कैसे करना है, 6 × 2/7 × 5, सो दिस इज इक्वल टू 6 2 12, 7 5 35, सो कितना आ जाएगा आपका 12/35, ठीक है, इजी है। नाउ थर्ड वाला करते हैं हम लोग, इट इज 5 × 4/9 × 9। क्या करना था अपने को, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है, हो जाएगा 20/81, ठीक है, समझ में आया गाइस। फोर्थ वाला देखते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 × 2/11 × 7, दिस इज इक्वल टू 8/77, गाइस 8/77, समझ में आ रहा है आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आ रहा है 8/77। नाउ फिफ्थ वाला देखते हैं, दिस इज 1 × 7/5 × 2, 7/10, 7/10, समझ में आ रहा गाइस, इजी है, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ वाला करते हैं हम लोग, दिस इज 9 × 7/7 × 8, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप, सिक्स्थ वाला कैसे करेंगे, सी इसमें एक चीज है कि आपको अगर कैंसिलेशन करने का मौका मिलता है, सी इट इज 7 1 7, यह 7 7 से कट गया, दोनों सेम है, तो आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ऐसा कैंसिल कर सकते हो, प्रोवाइडेड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्वड, ठीक है। अच्छा, यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, 9 × 1/1 × 8, इट इज 9/8,
सो दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन का आंसर. ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को, बहुत बहुत केयरफुल रहना. नाउ लेट अस सी द सेवेंथ वाला. दिस इज 5 × 6 / 6 × 5. कैंसलेशन पॉसिबल है. 6 1s. If you see 5 1s, this is 1. So basically, this is 1 × 1 / 1 × 1. This is 1/1. So basically, it is kitna aa raha hai aapka? It is 1/1. Matlab 1. ठीक है? आगे. Eighth वाला देखते हैं. So this is equal to 6 × 3/17 × 2. If you see 2 1s are 2, 2 3s are 6. This is 9/17. आ रहे समझ में गाइस आप लोग को? दिस 9/17 तो ये आपका आंसर है. करेक्ट, फाइन, इजी है, आप लोग को समझ में आ रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. 9/17 हो गया. अब ये वाला ट्राई करते हैं अपने को समझने का. नाउ अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2/7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21 acres. 2/7 of 21. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन? अशोक राव भाई गए हैं 21 acres की जो उनका जो लैंड है ना, 2/7 of that particular land वो बनाना उगाने वाले हैं, बनाना प्लांट करने वाले. सो टोटल एरिया इज इक्वल टू, दैट इज 21 acres. सो बनाना प्लांटेशन इज 2/7. सो देयरफॉर एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन इज इक्वल टू, सी आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे 2/7 of लिखा है ना, ऑफ हिज फील्ड मतलब टोटल फील्ड. सो आपको ऑफ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब ऑफ का जो रिप्लेसमेंट है इट इज मल्टीप्लीकेशन. दिस इज 2/7 of 21 एंड आपको यहाँ पे 7 3s कैंसिलेशन करके आंसर आएगा 6. बट ये जो है लैंड का एरिया है इसलिए हम इसको वापस एकर्स लिखेंगे. आया समझ में? इट इज 2/7 of मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका? 21 का. 2/7 of 21. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर सपोज आपको चॉकलेट दिया गया है, सपोज आपको 10 चॉकलेट्स दिए, ठीक है, आपकी बहन आके हाफ ऑफ योर चॉकलेट्स खा गई, ठीक है, या आपका भाई आके हाफ ऑफ द चॉकलेट्स खा गए, इसका मतलब क्या? हाफ ऑफ 10 कितना खा गया? 5 चॉकलेट्स चटक कर गया वो, तो आपके तो हो गए फिर, तो आपके पास तो बचा 5 खाली. सो उसी तरह से ऑफ हो गया, मतलब ऑफ मींस इट इज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. प्रैक्टिस सेट 12 चल रहा है, आपको याद हो, कहीं घूम नहीं जाना. नाउ ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ सोल्जर्स इन अवर फैमिली, 4/8 are posted on northern border and 1/3 of them on the northeastern border. If the number of soldiers in north, यहाँ पे लगता है थोड़ा सा आपको visibility का issue हो सकता है. नहीं बराबर, अच्छा, 1/3 of them are on the northeastern border. If the total number of soldiers in the north is 540000. मुझे एक बात बताओ, north में इतने सारे soldiers हैं, जिसमें से 4/9 नॉर्दर्न बॉर्डर में है और बाकी जो 1/3 है वो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में. सो मुझे एक बात बताओ, सो सॉल्यूशन में ऐसे लिखते हैं कि 1/3 आर पोस्टेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर. इसका मतलब क्या हो गया? 1/3 जो है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में एंड 1/3 of ऐसे लिखते, 1/3 of total soldiers आर पोस्टेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एंड टोटल
सोल्जर्स आर, हाउ मच टोटल सोल्जर्स आर, इट इज 5, 4, 1, 2, 3, 4 इतने. सो देयरफॉर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्जर्स इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 5, 4, 0, 0, 0, 0. भाई नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में 1/3 सोल्जर्स हैं और देर आर 5, 4, 0, 0, 0, 5, 4 चार बार जीरो 540,000, 5,40,000 सोल्जर्स हैं टोटल, 1/3 उसमें से नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे. सो नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली कितने सोल्जर्स हैं, इट इज 1/3 ऑफ. नाउ 3 के टेबल में ये जाएगा 3, इफ यू डिवाइड 5, 4, 0, 0, 0, 0 बाई 3, इट इज 5, 3, 1 3 एंड 23, 8 24, इट इज 0, 0, 0, 0. सो इट इज 1,80,000 सोल्जर्स आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट. आया समझ में गाइस आप लोग को? इजी है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी आगे तो बढ़ रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 पे. वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रैक्टिस सेट 13. सो क्या है प्रैक्टिस सेट 13 में? प्रैक्टिस सेट 13 में क्या है, चलो देखते हैं हम लोग. प्रैक्टिस सेट 13 में अपने को अब क्या करना है, देखना है इसमें कौन से टाइप के सम आएंगे अपने को. लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 13. ठीक है, प्रैक्टिस सेट 13 कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो नाउ राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इट इज प्रैक्टिस सेट 13 का पहला का फर्स्ट. राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. 7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इट इज अ रिवर्स. उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर रहे हैं. रिवर्स मतलब क्या, अगर 7 है तो इट इज 1/7. क्या हो जाएगा, इट इज रेसिप्रोकल इज, रेसिप्रोकल इज, रेसिप्रोकल 7 इज 1/7. इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. रेसिप्रोकल ऑफ 7 पूछा या तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इज 1/7. ठीक है, नाउ 11/3 का क्या होगा. सो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 11/3 is 3/11. उल्टा कर देना, that's it. बहुत easy है. ठीक है, now reciprocal of, reciprocal of 5/13 is what, 13/5. आपको उल्टा कर देना. ठीक है, now reciprocal of 2 मतलब क्या होता है, 2/1. ध्यान रखना, कभी भी कोई नंबर है उसका एक्चुअली मतलब ही होता है फ्रैक्शन फॉर्म में अपॉन वन. कोई भी डिफॉल्ट नंबर, जैसे सपोज 5 बोला मैंने, दैट इज एक्चुअली 5/1. सो रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ 2 इज 1/2. ठीक है, समझ में आ रहा है. आगे देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 6/7. सो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 6/7 इज 7/6. नाउ हाँ, अब यहाँ पे हम डिवीजन करने जा रहे हैं. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे. अब डिवीजन कैसे करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है अपना इसका. सो कैसे करना है देखते हैं. नाउ डिवीजन का एक तरीका है, सपोज आपको बोला गया 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4 है ना. सो बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है, 2/3 लिखना है और डिवीजन को यू रिप्लेस बाय मल्टीप्लीकेशन. And write the reciprocal of 1/4. It is going to be 4. Division को you replace by multiplication और 1/4 का reciprocal कर दो, it is 4. And now you are getting the answer as 2 4s are 8, 8/3. So 8/3 is actually the division. Actually वो उसका division. ठीक है. So जैसे second वाला try करते हैं. It is 5/9 divided by 3/2. So इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिखना 5/9 एंड आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन डालना है एंड 3/2 का रेसिप्रोकल करना है, मतलब 2/3. एंड इफ यू सी इट इज 5 2s are 10 और 9 6s 27. और ये तो हम लोग ने किया है ऑलरेडी, हम लोग ने ये सब किया हुआ है. ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग को, 10/27. नाउ थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला कैसे करना है. अगेन 3/7 है, सो इट इज, now it is
3/7/5/11 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तो दिस इज इक्वल टू 3/7 × 11/5 डिविजन इफ रिप्लेस बाय मल्टीप्लीकेशन इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इट इज 3 11s are 33, 7 5s are 35 आया समझ में आप लोग को ना फोर्थ वाला सो दिस इज 11/12 / 4/7 सो क्या हो जाएगा ये सो देयरफॉर ये हो जाएगा 11/12 × 7/4 इफ यू ऑब्जर्व दिस दिस इज 77 किसका 77 11 7s are and 12 4s are 48 इट इज 77/48 इजी है गाइस बहुत इजी है कुछ नहीं डिवीजन में ट्रिक बता दिया आपको ये हरदम अपने को एंड मोमेंट तक काम आने वाला है ठीक है नाउ दिस इज आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट और बहुत केयरफुल होके आपको देखना है किस तरह से करना है मैंने थोड़ा सा अपना जो वीडियो फ्रेम है उसको कम किया है क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जा रहा है सी देयर आर 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्वच्छ भारत अभियान या कैंपेन यू कैन से दे cleaned 422 by this part of town. So, सेवाग्राम जो आपका ग्राउंड है उसमें 420 पार्टिसिपेट बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए और उन्होंने 42/75 पोर्शन मतलब ये पूरा का पूरा अगर 75 पोर्शन है तो उसमें से 42 पोर्शन उसने उन्होंने क्लीन किया है सो वॉट पार्ट और सारे के सारे स्टूडेंट जो है 420 स्टूडेंट जो है वो इक्वली उतना ही एफर्ट्स डाल रहे तो मतलब उन लोग इक्वल रीजन जो है वो कवर करेंगे मतलब बोलते ना कि जैसे सपोज उन्होंने ऐसे नहीं होगी एक बच्चे ने इतना खाली क्लीन किया दूसरे ने इतना सारा क्लीन किया ऐसे नहीं सब इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया क्लीन कर रहे तो उन्होंने पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेवाग्राम डिड ईच स्टूडेंट क्लीन इफ द वर्क वॉज इक्वली शेयर्ड हर एक बच्चे ने कितना क्लीन किया है इक्वली अगर सब लोग काम कर रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपको 420 अच्छा पार्ट ऑफ एरिया क्लीन इज हाउ मच इट इज इक्वल टू 42/75 इतना आपका एरिया क्लीन हो गया सो इतना अगर 420 बच्चों ने अगर क्लीन किया है सो एरिया क्लीन्ड बाय वन स्टूडेंट इज नथिंग बट 42/75 / 420 गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज डिवाइडेड बाय 420 जैसे एग्जांपल के तौर पे कि सपोज कि ऐसा समझो कि अगर सपोज 5 चॉकलेट्स हैं ठीक है और 5 स्टूडेंट्स हैं इक्वली डिवाइड करना तो आप क्या करते हो आप जो चॉकलेट है डिवाइडेड बाय 5 स्टूडेंट्स राइट जैसे आपके पास 20 चॉकलेट्स है 5 स्टूडेंट में बांटना है तो इट इज 20/5 तो हर एक को 4 चॉकलेट मिलेंगे उसी तरह से इतना पार्ट अगर क्लीन किया गया टोटल स्टूडेंट ने मिलके क्लीन किया है सो एक स्टूडेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय 420 करना है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट करना है सो एक्चुअली इसका आंसर क्या आ जाएगा 42/75 × 1/420 क्यों ऐसा क्योंकि ये एक्चुअली न्यूमरेटर में ठीक है और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/420 डिवीजन है ना डिवीजन सो उसका मल्टीप्लीकेशन मतलब उसके बाजू वाला जो है उसका रेसिप्रोकल करना है ना 42 10 टाइम्स हो जाएगा सो इट इज लाइक 1 × 1/75 × 10 दिस इज इक्वल टू 1/750 एंड एक्चुअली 1/750 इज योर पार्ट ऑफ सेवाग्राम एक स्टूडेंट ने क्लियर किया साफ किया ठीक है समझ में है आपको इजी है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो भी होगा आप बार बार वीडियो देखना एक बार मतलब बार बार देखना तो आपको समझ में आएगा ठीक है सो बेसिकली हमने इस पर्टिकुलर जो वीडियो में इस पर्टिकुलर क्लास में हमने क्या क्या किया प्रैक्टिस सेट 11 में इलेवन में क्या क्या किया नंबर लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने नंबर लाइन वाले सम किए ये वाले सम किए नंबर लाइन वाले आपको ये चीज याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उतने पार्टीशन
हम बनाते हैं 0 1 के बीच में, 1 या 2 के बीच में, 1 3 4 के बीच में, जो भी है ठीक है उनके बीच में उतने ही पार्टीशन होते हैं। उसके बाद हमने कुछ सम किया, उसके बाद आगे हमने प्रैक्टिस सेट 12 किया जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सीखा हमने, उसके बाद हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम किए, उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 13 किया और उसमें रेसिप्रोकल पहले समझा, सो दैट डिविजन समझना था अभी हमें, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने कुछ डिविजन्स के किए, उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताया आपको, और ये अपना लास्ट सम था ठीक है। सो आई होप दोस्तों गाइस आप लोग को समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो मुझे कम्युनिकेट करना है, ट्राई करूंगा मैं आपके डाउट सॉल्व करने का। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज में डाउट भी आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी है ठीक है। आगे का वीडियो मिलता रहेगा आपको, तब तक आप प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस ये खत्म होता है, और आई होप आप लोग को समझ में आया। सो मिलते हैं, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर इन वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 5। टिल देन टेक केयर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेटर ऑनलाइन सो दैट हिज और हर videos are getting liked. Thank you very much again. Bye bye. Take care.